सो गाइस वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियो। दिस इज प्रताप सिंह फ्रॉम एनआईटी खुशियत। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कह सकते हो आईआईटी वर्सेस एनआईटी। देखो अभी जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों का एग्जाम आपका बाकी है, तो यार बच्चे कंफ्यूज रहते होंगे भैया जेई मेंस की तैयारी करें या जेई एडवांस की तैयारी करें, या फिर कितना स्कोर दोनों में टारगेट करें, फिर कौन सा कॉलेज टारगेट करें, एनआईटी भी अच्छे हैं आईआईटी भी अच्छे हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको ये क्लियरिटी होगी कि भैया आईआईटी में जाए या फिर एनआईटी में जाए, आईआईटी में जाए तो कौन से आईआईटी में देखें कौन से एनआईटी में देखें, तो वो यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। मैं 5 पॉइंट में दोनों कॉलेज को, दोनों टाइप के कॉलेज को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो के बाद सीधा पढ़ाई करने बैठ जाना, ये डाउट निकाल के भैया एडवांस की तैयारी करें या जेई मेंस की तैयारी करें, ठीक है। पूरा यहाँ पे एनालिसिस लिया लिख दिया है, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट। तो यार सबसे पहला हमारा जो कंपैरिजन का पॉइंट आता है वो है ब्रांड वैल्यू। तो यार जैसे कि स्क्रीन पर तुमको दिख रहा होगा मैंने लिखा है ओल्ड आईआईटी, ओल्ड आईआईटी मुझे कौन से आ जाते हैं, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, ठीक है, मद्रास। तो इन सब का जो कह सकते हो ब्रांड वैल्यू है वो सारे एनआईटी से बेटर है, ठीक है, सारे एनआईटी से बेटर है, और इन दोनों का ही सारे टॉप एनआईटी से बेटर है ब्रांड वैल्यू। भाई ब्रांड वैल्यू होता क्या है, ब्रांड वैल्यू यार तुम कह सकते हो एक कॉलेज का टैग होता है जिसको देख के कंपनीज आना प्रेफर करती है। अगर मान लो एक कोई एक्स कंपनी आना चाह रही है आईआईटी, ओल्ड आईआईटी और एनआईटी और ट्रिपल आईआईटी में, तो सबसे पहले प्रेफर करेगी वो एक पुराने आईआईटी में जाना, तो ठीक है। तो ऑफकोर्स आपको भी बताइए, तो ब्रांड वैल्यू ऑफ आईआईटीज, ओल्ड आईआईटीज, कोई न्यू वाले की नहीं बात कर रहा हूँ, सारे ग्रेटर देन ऑल आईआईटीज। ये तो यार एक फैक्ट है, आपको मान के चलना पड़ेगा। हमारा जो दूसरा कंपेरिजन का पॉइंट आता है वो आता है प्लेसमेंट्स। तो सबसे पहले हम प्लेसमेंट देंगे आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर कौन सा होता है भैया, सॉफ्टवेयर कंपनी जहां से आती है आपकी, ठीक है, अमेजन, गूगल, ये सब चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, नो कंपेरिजन विद टॉप 5 आईटीज, टॉप 5 आईटीज आईटी सेक्टर में बहुत बहुत ऊपर तक रहते हैं, ठीक है। टॉप तुम कह सकते हो टॉप एनआईटीज जो होते हैं, टॉप एनआईटीज होते हैं वो कंपेरेबल होते हैं, लेकिन एक हद तक ही होते हैं, क्योंकि टॉप आईटीज की जो ब्रांड वैल्यू है उसकी वजह से यहाँ कंपनीज बहुत बहुत बड़ा बड़ा पैकेज देकर जा रही होती है आईटी सेक्टर में स्पेशली। तो प्लेसमेंट के मामले में आईटी सेक्टर में हम कंपेयर कर नहीं सकते, और मिलते भी इसलिए बहुत बहुत ज्यादा ऊंचे कट ऑफ पे टॉप 5 आईटीज की सीएससी, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारी आईटी सेक्टर की बात, तो हम कंपेरिजन कर नहीं सकते क्योंकि आईटीज बहुत ज्यादा बेटर है इस मामले में, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि भैया बहुत ही बिल्कुल ही दूर दूर तक, नहीं ऐसा नहीं है, अभी तुम एवरेज पैकेज देखोगे सीएससी का तुमको आइडिया लग जाएगा। दूसरा आता है टॉप सिक्स से लेकर टॉप 10 जो आईटीज होते हैं उनके जो स्टैट्स होते हैं प्लेसमेंट के आईटी सेक्टर में वो कंपेरेबल होते हैं टॉप 5 एनआईटीज को। तो यानी कि कह सकते हो जो ऊपर के टॉप 5 है उनका कंपेरिजन थोड़ा सा नहीं कर सकते हम, बाकी के जो 6 से लेकर 10 वाले आईटीज होते हैं उनका हम कंपेरिजन कर सकते हैं टॉप 5 एनआईटीज से, ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं दोनों के स्टैट्स आईटी सेक्टर में। तो अब आते हैं कोर सेक्टर में, ठीक है। अब जो हमारा आता है कोर सेक्टर, या कोर सेक्टर क्या होता है, मैकेनिकल है आपने, मान लो मैकेनिकल इंजीनियर आपने ऑप्ट करी किसी एक कॉलेज में, तो जो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्ट्रीम वाली जो कंपनीज होती है, जो कोर ब्रांचेस होती है आपके सेक्टर की, वो आपको कितने में रिक्रूट करती है उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो तुम्हारे टॉप 5 आईटीज होते हैं उनकी हाईएस्ट सैलरी ऑफर्ड इज कंपेरेबल टू टॉप 5 एनआईटीज, ठीक है। जो तुम्हारे टॉप 5, मान लो तुम यहाँ सिविल इंजीनियरिंग हो, ठीक है, किसी आईटी में टॉप 5 में, तो तुम्हारी जो हाईएस्ट सैलरी होगी, हाईएस्ट सैलरी किसी भी सेक्टर, मतलब कोर सेक्टर में तुम्हारे मैकेनिकल सिविल में, वो कंपेरेबल है टॉप 5 एनआईटीज की हाईएस्ट सैलरी के, यानी कि दोनों में हाईएस्ट सैलरी इतनी ही रहती है। तो ज्यादातर यार ऐसी रहता है 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख से ऊपर कोर सेक्टर में सैलरी जाती नहीं है, चाहे वो पीएससी कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। ऐसे ही 18 लाख, 19 लाख, 17 लाख तक भी एनआईटीज में रहता है हाईएस्ट सैलरी कोर ब्रांचेस की, ठीक है। तो कोई ज्यादा कंपैरिजन है नहीं दोनों में, ऑलमोस्ट सेम स्टेट्स हैं टॉप 5 आईआईटीज और टॉप 5 एनआईटीज के, बट नंबर ऑफ प्लेसमेंट वेरी इज अलॉट। नंबर ऑफ प्लेसमेंट की देखो बात आ गई, वापस से हम ब्रांड वैल्यू पे आ गए। कंपनी अगर आ रही है, बहुत भर भर के कंपनी आएंगी आईआईटीज में एज कम्पेयर टू एनआईटीज में, क्योंकि ब्रांड वैल्यू आईआईटीज की बेटर होती है एज कम्पेयर टू टॉप 5 एनआईटीज, ठीक है। तो अब जितनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू है उतनी ज्यादा कंपनीज आएंगी, पैकेज सेम लेके आ रही है कि 20 लाख के हाईएस्ट देंगे, लेकिन ज्यादा आ रही है इसलिए जो परसेंटेज प्लेसमेंट्स है आईआईटीज में वो इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू एनआईटीज, ठीक है। सैलरी वही हाईएस्ट दोनों में 20, 18, 17 की देते हैं, कोर सेक्टर में उससे ज्यादा नहीं दी जाती है, ठीक है। तो दोनों आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यार उनकी बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, लैब्स, कॉलेजेस की। तो यार इस बारे में अगर हम बात करें, सिंस एनआईटीज आर कंपैरेटिवली न्यू, ठीक है, कुछ कुछ जो एनआईटीज है जैसे हो गया तुम्हारा हमीरपुर, ठीक है, अभी अभी डेवलप हुआ है, और नए जो तुम्हारे एनआईटीज है रायपुर वगैरह, ये जो अभी जो अभी भी लेटेस्ट में डेवलपमेंट हो रहा है, जिन फंडिंग हो रही है उनमें जो इक्विपमेंट्स यूज हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स यूज हैं या फिर उनकी लैब्स या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी एडवांस है, क्योंकि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनमें इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जो आईआईटीज हैं आपके, आईआईटीज हैं वो ऐसी थोड़ी है अच्छे कॉलेज, आईआईटीज में फंडिंग भर भर की होती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो आईआईटीज होते हैं वो भी टेक्नोलॉजी में कैच कर रहे हैं। तो तुम कह सकते हो कंपेरेबल है दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा, तुम एरिया की बात करोगे तो आईआईटीज भी इतने कोई खास बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, बड़े तो होते लेकिन कंपैरिजन दोनों में रह सकता है। जैसे अभी तुम आईआईटी बॉम्बे की बात कर लो, 550 एकड़ का कैंपस है, वहीं अगर तुम एनआईटी ट्रिची की बात करोगे तो 485 एकड़ का कैंपस है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल होते हैं, इतना कोई खास डिफरेंस नहीं होता। अगर तुम एरिया की बात करोगे और इक्विपमेंट्स की बात करोगे तो मेरे ख्याल से दोनों में सिमिलैरिटी है एनआईटीज में भी और आईआईटीज में भी, लेकिन आईआईटीज ऑफकोर्स फंडिंग की वजह से थोड़ा सा जल्दी से ग्रो कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यार ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। जो हमारा अगला क्राइटेरिया आता है वो है एक्सपोजर। तो भैया एक्सपोजर होता क्या है, तो मान लो तुम किसी कॉलेज में जाते हो, ठीक है, तुम्हें खुद को एक्सप्लोर करना है भैया, तो तुम्हें 100 चीजें चाहिए होंगी, क्लब चाहिए होंगे, सोसाइटी चाहिए होंगी, वेरियस क्लब, डांस क्लब, ड्रामा क्लब, ठीक है, स्टार्टअप स्टार्टअप कल्चर तुम्हारे कॉलेज में अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे कॉलेज में कोडिंग कल्चर अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे कॉलेज में बड़े बड़े लोग आके तुमको सेमिनार्स दे रहे हो, ठीक है, और तुम्हें बहुत सारी चीजों की एक साथ कह सकते हो एक दरिया मिल रहा हो जहाँ पे नॉलेज ही नॉलेज हो, तुम उसमें कूदने का पोटेंशियल रखते हो, तो तुमको वहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल रहा होगा। बेसिकली बहुत सारी जो चीजें होती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी नॉलेज टॉपिक्स में तुमको एक्सेल करने का अगर मौका मिल रहा होता है किसी कॉलेज में, तो उसको तुम कह सकते हो एक्सपोजर, ठीक है। अब एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो और ध्यान से पढ़ो मैंने क्या लिखा है, ऑल ओल्ड IITs आर वेल अहेड ऑफ ऑल NITs, ठीक है। तो ये तो यार फैक्ट है कि जितने भी तुम्हारे टॉप 5 IITs होते हैं, टॉप 5 में आ जाते हैं, बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर वगैरह, ये इनका जो स्टार्टअप कल्चर है, इनका जो एक्सपोजर है वेरियस फील्ड्स में, वेरियस क्लब्स में, वेरियस ड्रामा सोसाइटीज में, स्पोर्ट्स में, वो यार बेटर है ऑफकोर्स सारे के सारे NITs से। ये तो फैक्ट है, तुमको मानना ही पड़ेगा। स्टार्टअप भी अगर तुम सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स की बात करोगे तो IIT दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, इन सब में जो स्टार्टअप्स का जो नंबर है वो बहुत बहुत ह्यूज है कंपेयर टू टॉप 5 NITs, ठीक है। तो ये तो हमको मानना पड़ेगा। इवन एक और बात है, इवन सेमी ओल्ड IIT, सेमी ओल्ड में कौन सा जाते हैं, टॉप 6 से लेकर टॉप 12 या फिर टॉप 10 तक के वो वाले जो IITs हैं, ठीक है, जैसे IIT BHU, धनबाद वगैरह, ये भी बेटर यार एक्सपोजर रखते हैं कंपेयर टू NITs। तो मैंने तुमको बहुत बार बोला गया वीडियोस में, अगर तुम स्टार्टअप वगैरह एक्सपोजर के लिए जाना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से NITs बहुत बढ़िया है, लेकिन IITs तुम्हारी एक प्रेफरेंस रहनी चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज की बात कर रहे हो, कोर नॉलेज की बात कर रहे हो, तो हाँ NITs बहुत ही शानदार होते हैं, लेकिन स्टार्टअप्स में और एक्सपोजर में इतना NITs में दम नहीं होता है। दम नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता यार, IITs से कंपेयर करो तो नहीं होता, वरना फर्जीवाड़ा कॉलेज से तो 100 गुना बेटर होते हैं NITs, ठीक है। तो IITs से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा दब जाते हैं एक्सपोजर के मामले में हमारे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके थोड़े से कम मार्क्स आ रहे हैं जेईई मेंस में और आपको लग रहा है भैया मैं कोई कॉलेज नहीं ले पाऊंगा, चलो मेरा ड्रॉप ईयर का भी कोई चांस नहीं है, तो अब LPU की तरफ जा सकते हैं। LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक अच्छा अल्टरनेटिव रह सकता है आपके लिए। उसमें अभी 80% ऑफ तक आपको मिल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म पे, अगर आप कूपन कोड स्क्रीन पर देगा कूपन कोड का यूज कर रहे होंगे और लिंक पे क्लिक कर रहे होंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको मिल रहा होगा अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट, एक फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, ठीक है, कूपन कोड का यूज करके 80% ऑफ तक का फायदा उठाइए। तो ऑल्टरनेटिव आपके लिए अच्छा हो सकता है LPU। तो चलो वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। पहले हमारा जो अगला क्राइटेरिया हम कह सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तुम कह सकते हो उसको, वो है भैया एवरेज प्लेसमेंट। भैया एवरेज प्लेसमेंट बता दो हमें, ना तो एक्सपोजर से मतलब है ना हमको यार किसी चीज से मतलब है, हमको एवरेज प्लेसमेंट बता दो, और ये होना भी चाहिए अगर तुम्हें जॉब के लिए जाना चाहिए। तो एवरेज प्लेसमेंट की अगर बात करें टॉप 5 IITs और टॉप 5 NITs की हमने बात करी है, CSE का जो एवरेज पैकेज है तुम्हारा निकल के आता है वो अराउंड 18 से लेके 20 LPA का निकल के आता है। LPA मतलब भैया LPA मतलब लैक्स पर है ना, एक साल में कितना रुपया कमा लेते हो तुम, और मैं CTC की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इनहैंड सैलरी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारे हो गए 18 से लेके 20 लाख रुपए। टॉप 5 NITs की बात करते तो ये जो आपका पैकेज होता है 15 से 16 लाख का रेस्ट्रिक्ट रहता है, जो कि ये बहुत बुरी बात नहीं है, जो कि बहुत बुरी बात नहीं बल्कि बहुत ही अलग लेवल की बात है। 18 से 20 टॉप 5 IITs और 15 से 16 टॉप 5 NITs की अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करें। ईसी ब्रांच की बात करें यार, ईसी में भी यार इतना ही रहता है लगभग, ठीक है, ईसी में भी इतना रहता है। अगर तुम इसकी बात करोगे टॉप 5 की तो 14 से 15 लाख LPA का तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी तुमको 13 से लेके 14 लाख का LPA का मिल रहा होगा। मेरे खुद के कॉलेज का एवरेज 13.5 है इसी में, ठीक है, NIT कुरुक्षेत्र से हूं मैं, टॉप 5 NIT में आता है वो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो यार कोर ब्रांच आ जाती है, बिल्कुल कोर ब्रांच, तो इसका जो पैकेज कह सकते हो थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है 9 से लेकर 10 लाख का। और अगर टॉप 5 NITs की बात करो, टॉप 5 NITs की बात करो तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिग्रेड हो रहा होता है, ये 8 से लेकर 9 लाख का रहता है, ठीक है। ओके, मैकेनिकल सिविल की बात करोगे तो मैकेनिकल सिविल तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर रहते हैं, यहाँ पे भी 60 से लेके 8, और इधर भी तुम कह सकते हो 60 से लेके 8 LPA का कोर ब्रांचेस में आपको देखने को मिल रहा होगा। LPA मतलब लैक्स पर एनम, तो 60 से लेके 8 LPA का यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई यार आपकी कोर ब्रांचेस की भी बात है, ठीक है। तो कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं इस चीज से, जो तुम हमारे टॉप 5 IITs होते हैं, ठीक है, जो हमारे टॉप 5 IITs होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं टॉप 5 NITs से, ठीक है, टॉप 5 NITs से हर मामले में थोड़ा सा कह सकते हो बेटर ही है, लेकिन जो टॉप 5 NITs होते हैं वो कंपेरेबल होते हैं टॉप 6 से लेकर टॉप 10 या फिर टॉप 12 IITs के, ओके। और ये सारी चीजें टॉप 5 से लेकर टॉप 10 IITs के बराबर मतलब ग्रेटर ही होते हैं, तो कह सकते हो अगर टॉप 5 NITs में जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर जेईई एडवांस क्लियर करके टॉप 5 IITs में जा रहे हो तो और भी अच्छी बात है। अब भैया एक रेशियो निकल के आता है ब्रांच वर्सेस कॉलेज का रेशियो, उसकी कभी और बात करेंगे भैया कि IIT बॉम्बे मुझको CS मिल, IIT बॉम्बे मुझे इलेक्ट्रिकल मिल रही है, लेकिन मुझे NIT कुरुक्षेत्र में CS मिल रही है, मुझे क्या लेना चाहिए, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ किसी और वीडियो में, उसकी चिंता मत करें। अभी एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं आप इस टेबल की मदद से, ठीक है, ये हमारा आज का वीडियो का कंक्लूजन निकल के आता है। तो यार वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज यार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आना चाहिए, और अगर लाइक करोगे तो मोटिवेशन आती है, ठीक है। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए, और जेईई फोड़ना है, किस किस को जेईई फोड़ना है वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में उसको बताएगा। जेईई मेंस फोड़ेगा पहले टॉप 5 NIT सिक्योर करेगा, उसके बाद जेईई एडवांस फोड़ के टॉप 5 IIT को भी सिक्योर कर रहा होगा, उसके बाद उसका ऑप्शन ही ऑप्शन होंगे, काउंसलिंग हमारे हाथों में रहेगी उसकी, ठीक है। चलो इसी नोट पे खत्म करते हैं, पढ़ते रहो, मचाते रहो। दिस इज अजय प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ।